Hi, this is Khushboo with another question of polynomials. This is example number 7 from page number 5.13 of Adi Sharma. It says prove that 0.87 into 0.87 into 0.87 plus 0.13 into 0.13 into 0.13 over 0.87 into 0.87 minus 0.87 into 0.13 plus 0.13 equals 1. So, aapke paas basically a 3 baar aa raha hai. So, can we write 0.87 ka cube? प्लस ये भी तीन बार आ रहा है 0.13 का क्यूब अपॉन में इसका स्क्वायर माइनस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिखेंगे प्लस इसका स्क्वायर. सो दिस इज ए क्यूब प्लस डी क्यूब. ए क्यूब प्लस डी क्यूब जिसका मतलब है ए क्यूब प्लस डी क्यूब की एनर्जी होती है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. राइट, सो यहाँ पर ए है हमारे पास ये और बी है ये. सो उसको अगर ओपन करें सो दिस विल बी ए प्लस बी ब्रैकेट में 0.87 का स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस 0.13 का स्क्वायर. सो 0.13 का स्क्वायर अपॉन में 0.87 का स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13 इंटू प्लस 0.13 का स्क्वायर. सो ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम आ रही है. सो ये कैंसिल हो गया पूरा ब्रैकेट से. आपके पास बचा 0.87 का 0.13. इसको ऐड करेंगे सो यू गेट 1. सो दिस इज द आंसर. आपको ये प्रूव करना था कि ए इक्वल्स टू 1 है. जब भी आप ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ध्यान रखिए कि कभी मल्टीप्लाई ऐसे नहीं हो रहा होगा डायरेक्टली. आपको इसमें आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है. एंड वन मोर थिंग, जब भी आप आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं मेक श्योर आप साथ में उसका फॉर्मूला लिखें साइड में. सो दिस वॉज 7th एग्जाम्पल फ्रॉम आदि शर्मा एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चन. बाय बाय.